हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माई चैनल जेके एस बी सिविल इंजीनियरिंग। तो जो आज हम पढ़ रहे थे, हम चैनिंग में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो पढ़ा था वो चैन के बारे में पढ़ा था कि सर्वेयर चैन क्या होता है, मेट्रिक चैन क्या होता है। उसी तरह से आज जो उसके आगे हम पढ़ेंगे कि एरो क्या होता है। ये एरो को मार्किंग पिन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कहते हैं कि एरो जो होता है वो इंसर्टेड इन टू द ग्राउंड आफ्टर एवरी चैन लेंथ। हर चैन लेंथ के बाद इसको इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड के अंदर। तो बोले तो ये क्या होता है, हर चैन लेंथ के बाद इसको इंसर्ट किया जाता है। मान लो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस वन इज़ सेकंड एंड पॉइंट। अब एक चैन को यहाँ से आपने यहाँ तक, फिर दूसरी चैन आई यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरी चैन आई यहाँ तक, चौथी यहाँ पहुँची भाई एंड पॉइंट तक। अब जब आपने यहाँ से यहाँ तक एक चैनिंग किया, एक चैनिंग की लेंथ जब की, तो एक यहाँ पर गाड़ दी क्या, एरो या मार्किंग पिन। फिर दूसरी चैनिंग की तो दूसरी एरो दबा दी, तीसरी चैनिंग की तो तीसरा एरो कर दबा दी, चौथी चैनिंग की तो चार मार्किंग पिंस या एरो दबा दिए ग्राउंड के अंदर। तो वही होता है इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड आफ्टर एवरी चैन लेंथ के बाद। हर एक चैन को बिछाने के बाद, जब एक चैन को बिछाने के बाद जो लेंथ आती है, फिर उसके बाद मार्किंग पिन वहाँ हम दबाते हैं। उसके बाद लिखा है रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ चैन। इससे जो एरो से जो है, हमें ये भी पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ चैनिंग हुई है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक तीन, यहाँ से यहाँ तक चार, चार चैनिंग लेंथ आई है तो चार एरोज भी आए होंगे, एक दो तीन चार। तो इससे क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ चैन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेड अप ऑफ बनी हुई होती है स्टील वायर की, लिखा हुआ है, एंड जनरली 10 एरोज आर सप्लाइड विद वन चैन। तो इसका मतलब क्या है, कहता है मेड अप ऑफ स्टील वायर्स की बनी हुई होती है ये एरोज, और 10 एरो होते हैं एक चैन के साथ। एक चैन जो हम बाज़ार में जब लेंगे कहीं किसी के पास, तो उसके साथ 10 एरोज होते हैं साथ में। अब आगे क्या बताया गया है, 20 to 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, बट जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो लिखा हुआ है यहाँ पर 400 mm प्लस माइनस 5 mm है लेंथ इसकी होती है। तो 400 mm बोले तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 mm ये होती है। अब डाया की बात की जाए तो इसका जो डाया होता है वो भी 4 mm का डाया होता है, ठीक है, वो समझ गए आप। तो नीचे ये जो है ये उसकी दी गई है डायग्राम एरो की, कैसे एरो होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 mm, और ये जो है इंटरनल डायमीटर इस जो रिंग जैसी होती है ऊपर, इसका जो डायमीटर होता है 50 mm होता है, और जो इसका खुद का डायमीटर है इस वायर का वो कितना होता है 4 mm। एनिमल ब्लैक एनिमल्ड स्टील वायर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का पेंट किया होता है ऊपर से, क्यों, इसलिए क्योंकि जब ज़मीन के अंदर गा रहे हैं तो इससे कोरोजन ना लग जाए, इसलिए इसको क्या होता है ये। अब क्या होता है, एक बंदा जब भी चैनिंग करते हैं तो एक बंदा लीडर होता है, एक बंदा फॉलोअर होता है। अब लीडर कौन होता है, जो आगे चैन पकड़े, आगे आगे निकले, भाई चला मेरे साथ, मैं बताता हूँ कैसे काम करते हैं, जो ऐसे किए वो लीडर होता है। और फॉलोअर कौन होता है, जो पीछे, भाई क्या करना, हाँ यहाँ पर कर ले ऐसे, है भाई क्या करना यहाँ पर ऐसे कर ले, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉलोअर। तो कहते हैं जो लीडर होते हैं उसके पास जो एरोज होते हैं वो अनयूज्ड एरो होते हैं। कौन सी एरोज होते हैं, अनयूज्ड, जो उसके हाथ में बचेंगे। बट जो फॉलोअर होता है वो यूज्ड एरो क्या करता है, यूज्ड एरो को उठा के हाथ में लाता है। तो वैसा कैसे करते हैं, ये क्या होता है, पर एक्चुअली में क्या, मान लो कि आपने यहाँ से यहाँ तक चैनिंग करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक चैनेज है, फिर दूसरी चैनेज है, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो यहाँ तक बन गई पांची। अब जो लीडर है, लीडर यहाँ पर रहेगा और फॉलोअर यहाँ पर रहेगा, करेंगे फर्स्ट चैनिंग, फिर लीडर यहाँ जाएगा, फॉलोअर यहाँ पर, फिर लीडर जाएगा यहाँ, फॉलोअर यहाँ पर, तो क्या करेगा, जो लीडर होता है वहाँ पर क्या करता है, जैसे ही फर्क में एक चैनिंग की तो लीडर यहाँ पर एक एरो पिन दबा देता है, फिर आगे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जब दूसरी चैनिंग करती तो यहाँ पर लीडर जो है दूसरी एरो पिन दबा देता है, बट जो फॉलोअर आता है, जो यहाँ पर वाली एरो होती है, यहाँ पर वाली, उसको उठा के ले जाता है आगे, फिर यहाँ पर जब पूछेगा फॉलोअर तो उसके वाले को भी उठा के ले जाता है। तो उसे ये पता है कि लीडर के पास कौन सी वाली एरोज बचती हैं, अनयूज्ड एरो, और फॉलोअर के पास जो यूज़ करके हुई एरो होती है वो बचती है, क्योंकि वो उठाता रहता है उन एरो को। अब इस तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन है जनाब, लिखा हुआ इफ़ लीडर हैज़ अ सिक्स एरो, एक लीडर के पास छः एरो है और फॉलोअर के पास चार एरो, फॉलोअर के पास चार एरो, बोलो कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट करो बट किसका, फॉलोअर का फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फॉलोअर का डिस्टेंस करना है मेजर, हमने लीडर का नहीं करना है। तो हम अगर देखो जो फॉलोअर है उसके पास कितने एरोज़ हैं, चार एरोज़ हैं, देख सकते हो आप, फॉलोअर हैज़ हाउ मेनी एरोज़, चार, अगर चार एरोज़ हैं इसका मतलब कि चार चैलेंजेस हुई हैं। अगर वो 20 मीटर चैन है तो 20 × 44 हो गया 80 मीटर उन्होंने डिस्टेंस वहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पर इसको फॉलोअर खड़ा है 80 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। अगर चैनेज जो है वो चैन जो है वो 30 मीटर वाली है तो 30 × 4 जो है, क्योंकि चार चैनेज उन्होंने की है तो वो आ जाएगा 120 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, वुडन पैग, तो वुडन पैग को शार्ट में कहते हैं पैग भी। अब ये क्या होता है, पैग कहाँ इस्तेमाल कहाँ होता है और एरोज़ कहाँ, एरोज़ आमतौर पर इंटरमीडिएट जो चैनेज के दौरान जब हम चैनिंग करते हैं तो इंटरमीडिएट जो स्टेशन होते हैं या पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एरोज़ इस्तेमाल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। बट वुडन पैग्स जो होता है ये बिल्कुल एंड पे टर्मिनल पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मान लो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या करना था, चैनेज करनी थी, तो ये जो जी है ये पॉइंट है इस पे एक पैग लगा दूंगा, एक यहाँ पैग लगा दूंगा, तो इसके बीच में फिर चैनेज करेंगे हम, जितने चैनेज आएंगे चाहे एक चैनेज आए दो तीन जितने चैनेज हो जाएँ उसके बीच में उतने, बट यहाँ पर एक पैग लगेगा एक यहाँ पर। तो ये कैसे होती हैं, वुडन शेप्ड की होती है या वुडन वुड्स की बनी हुई होती है, सर्कुलर शेप की भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन इसका जो है कर्स है सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, मतलब किसी ये जो पेंसिल है जो आपके सामने दिख रही है इसको ऐसे काट करके जो ऐसे सेक्शन दिखेगा तो उसको कहते हैं सेक्शनल व्यू। फिर उसके बाद ये जो है ये डायग्राम मैंने आपके पैग की बनाई हुई है, नीचे जो है यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर की हो सकती है और पूरा रेंथ इसका जो है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। इसका मतलब एरो ज़्यादा होता है, एरो 40 सेंटीमीटर की होती है। अच्छा, 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन एबो द ग्राउंड, 4 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर होती है, बाकी सारे के सारे ज़मीन के अंदर दबाई जाती है। और टैपर्ड एंड, इसका एंड जो होता है टैबर्ड, टैबर्ड मतलब कि थोड़ा सा ब्लंट शेप्ड, मतलब शार्प नहीं, तेज़ नहीं होगा आगे से, थोड़ा ब्लंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको किससे दबाया जाता है, इंसर्टेड बाई मैलेट, मैलेट से दबाया जाता है, मैलेट आपको पता होता है थोड़ा जैसा होता है लकड़ी का, उसको मैलेट कहते हैं। अब यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ टर्मिनल पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट को मार्क करने के लिए ये पैक्स इस्तेमाल कीजिए। टर्मिनल क्या हुआ, एंड, टर्मिनल मीन एंड पॉइंट्स, चैनेज में जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पर। अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे, इसको कहते हैं रेंजिंग रॉड्स और ऑफसेट रॉड के बारे में। तो रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड्स क्या होता है, रेंजिंग रॉड नाम से ही पता चलता है कि रेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे, ऑफसेट रॉड नाम से ही पता चलता है कि ऑफसेट के लिए इस्तेमाल होते होंगे। अब रेंजिंग क्या होता है आपको पता है ना, जैसे पहले इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, देखना 2 से 3 मीटर लेंथ होती है इसकी, उसकी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है। अच्छा, 3 सेंटीमीटर नॉमिनल डाया, इसका जो डाया में होता है आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर होता है इसका डाया, तो इससे पता चलता है कि ऑफसेट रॉड थोड़ा सा उसका डाया कम होता है। अब ये कैसे होती है, रेड या वाइट बैंड्स होंगे और या रेड या ब्लैक्स बैंड होंगे, बट इसकी देखा जाए तो ये ब्लैक इन कलर होगा। बट इसका मतलब कि अब अगर आपने आपने जब सर्वे किया होगा तो सर्वे के दौरान तो आपने देखी होंगे, अगर नहीं देखा, जब हम लेबॉर्टरी में जाते थे सर्वे लैब में तो वहाँ पर आपने देखे होते थे बड़े रॉड्स हुआ करते थे अलग टाइप के, आप सोचते थे यार ये कौन सी रॉड्स हैं, तो देखते थे रेंजिंग रॉड्स जो हुआ करते थे जिनमें क्या 20 सेंटीमीटर की बैंड जो है रेड और वाइट करके कलर हुआ करते थे, वो रेंजिंग रॉड हुआ करते थे, गोल टाइप का हुआ करते थे उनका क्रॉस सेक्शन। और ऑफसेट रॉड जो हुआ करती थी वो जो है बिल्कुल ब्लैक कलर होता है ऊपर से नीचे, तो आप समझ लो जाओगे कि ये ऑफसेट रॉड है। अब एक और चीज़ है जो आप डायग्राम से इसे पहचान लोगे इन चीज़ों का, एक तो मैंने आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का जो बैंड होता है, हर एक बैंड जो 20 सेंटीमीटर का होता है, या तो वो होगा रेड या तो होगा वाइट, फिर से रेड फिर से वाइट, ऐसा हो सकता है। और ऊपर टॉप पर जो है फ्लैग पोस्ट, फ्लैग के लिए जगह होती है। बट अगर ऑफसेट में देखा जाए तो ऑफसेट में ये चीज़ होता है, ये इसको कहते हैं हुक, ये हुक जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। देखिए अभी तक आपने जो समझा वो रेंजिंग रॉड्स और ऑफसेट रॉड के बारे में आपने समझा, बट अब रेंजिंग पोल क्या होता है, पोल जो रेंजिंग रॉड की देख कहते हैं लिखो, लिखा हुआ है सिमिलर टू रेंजिंग रॉड, फिर फर्क क्या है, बस इतना ही फर्क होता है लॉन्गर और डायमीटर ज़्यादा होगा इसका। देखना लॉन्गर द रेंजिंग रॉड कितना होता है, 4 से 8 मीटर,
4 से 8 मीटर हुआ, तकरीबन 15 फीट इसकी हाइट होती है, और डायमीटर 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसका डाया, उसका 3 ही तो सेंटीमीटर हुआ करता था, रेंजिंग पोल का ज़्यादा हुआ करता है डाया भी और लेंथ भी। यूज्ड फॉर किसके लिए यूज़ होती है, लॉन्ग लाइन, जब लॉन्ग लाइन रेंजिंग करनी हो तो वहाँ के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैप्ट स्ट्रेट वर्टिकली विद प्लम बॉब, इसके साथ प्लम बॉब के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, क्योंकि इसको स्ट्रेट कोई रख नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ी टेढ़ी भी रह सकते हैं, तो प्लम बॉब यूज़ करके आप इसको स्ट्रेट रख सकते हो। आगे क्या लिखा, रेंजिंग इज डन विद हेल्प ऑफ लाइन रेंजर, तो लाइन रेंजर इसके टॉप पे लगाया जाता है एक है, तो उसकी वजह से रेंजिंग की जाती है, क्योंकि इंसान तो पहुँचेगा नहीं वहाँ पर, तो रेंजिंग जो की जाती है वो किसे की जाती है, लाइन रेंजर से, ये आपको याद रखना होगा, लाइन रेंजर। और लाइन रेंजर जो है ये इस्तेमाल करता है क्या, यूज्ड लाइट वेव जो इस्तेमाल करता है, फिक्स एट द टॉप ऑफ द रेंजिंग रॉड पोल, इसके ऊपर इसको फिक्स किया जाता है, किसको, इस लाइन रेंजर को। अगर आप देखोगे बट रॉड, ये बट रॉड की होती है, तो ये सिमिलर होती है उस ऑफसेट रॉड की, बट सिर्फ यही है, तो ऑफसेट रॉड कितने, 3 मीटर के हमने बताया था, बट ये हो सकती है 1 से 1.5 मीटर, आधा मीटर की भी हो सकती है, बट ये इस्तेमाल कहाँ की जाती है, ये ज़्यादातर बिल्डिंग सर्वर और आर्किटेक्चर बंदे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो प्लान शलान वाला वर्क होता है वहाँ पर यूज़ होता है, जो बड़े बड़े सर्वे की जाती है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या ऑफसेट रॉड किया जाता है। इसके बाद चैनिंग जब हम करें, चैनिंग में क्या प्लम बॉब भी तो इस्तेमाल होता है, तो प्लम बॉब तो आपने देखा होगा, ये मैंने डायग्राम बनाई है, ऊपर ये जो है ये इसका नायलन की स्ट्रिंग है, और नीचे जो है ये जो होता है लोहे, वो आयरन का बना हुआ होता है, ट्राइंगल इन शेप्ड में हुआ होता है, 2.5 न्यूटन इसका वेट होता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब स्लोपिंग है ग्राउंड होगा, तो ऊपर ग्राउंड से है का पॉइंट नीचे ग्राउंड के ऊपर लाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखना बताया भी होता है। ड्यूरिंग चैनेज, जब हम चैनेज करते हैं अलोंग स्लोप ग्राउंड के दौरान, यूज टू ट्रांसफर द पॉइंट टू द ग्राउंड सर्फेस, ग्राउंड सर्फेस पे पॉइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो और भी इस्तेमाल इसके होते हैं, जैसे सेंटरिंग करने के लिए वायरस इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट में, आपको पता है प्लान टेबल में, ऑटो लेवल में, थियोडोलाइट में भी एक प्लम बॉब होता है छोटा सा, तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम, उसकी वजह से हम सेंटरिंग कर सकते हैं, तो सेंटरिंग और दूसरा कि पॉइंट को ट्रांसफ़र करना ग्राउंड कीपर, तो दो काम होता है। अब ऑप्टिकल प्लम्बर किसे कहते हैं, भाई जो प्लम बॉब होता है, और ये जो होता है जब हवा होती है, तो इसका एक डीमेरिट ये है कि इसका डीमेरिट किसका, प्लम बॉब का डीमेरिट मैं लिखूंगा, प्लम बॉब का डीमेरिट ये है कि हिलता रहता है, मूव करता रहता है, मूविंग ड्यूरिंग विंड, विंड के दौरान मूव करता रहता है। बट ऑप्टिकल प्लम्बर जो होता है ये क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है तब जब विंड होगा, विंड कंडीशन यूज़ किया जाता है, तो ये हिलता नहीं है, तो ये भी वही काम करता है जो प्लम्बर क्या करता है, ट्रांसफ़र ग्राउंड के ऊपर किसी भी पॉइंट को करता है, और दूसरा सेंटरिंग का काम करता है, तो ये ऑप्टिकल प्लम्बर भी यही काम करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्टिकल प्लम्बर किसके लिए इस्तेमाल, तो आपका पता होना ज़रूर, मुझे उम्मीद होगी कि आप अभी तक तो समझ गए होंगे। तो अब रेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक जो भी चैनेज में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो हमने उनके बारे में पढ़ा है, तो रेंजिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रेंजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट लिखा है मैंने, ये इंटरमीडिएट पॉइंट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मान लो कि ये एक पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट किसी भी, और ये दूसरा टर्मिनल पॉइंट है, इनके बीच में यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड हमने लगाई है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर लगाई है, अब बीच में भी रेंजिंग रॉड लगानी थी, इसके बीच में से एक यहाँ पर लगानी थी मान लो, तो जब हम यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट रॉड लगाएंगे या यहाँ पर इंटरमीडिएट रॉड लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होगा, तो वो ये जब ये यहाँ पर खड़ा होगा तो ये और ये पहले करके रेंज करके होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, फिर जब यहाँ पर बंदा होगा तो एक बंदा जाएगा रेंजिंग रॉड, इस इंटरमीडिएट वाले रेंजिंग रॉड लेके जाएगा इस पॉइंट पे, और ये बंदा इसको डायरेक्शन देगा, ये बंदा इसको डायरेक्शन देगा, बोलेगा कि यार यहाँ पर तो लगा दे इस रेंजिंग रॉड को, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, ये सारे है रेंजिंग रॉड जो है स्ट्रेट हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं रेंजिंग। तो इंटरमीडिएट पॉइंट जो है पे कोई रेंजिंग रॉड लगाने को कहते हैं रेंजिंग। अब रेंजिंग जो होती है वो 3 किस्म की होती है, टाइप्स जो इसकी हैं ये आपको बहुत ज़रूरी कि रेंजिंग कैसे होती है, एक डायरेक्ट रेंजिंग अभी मैंने जो बताया ऊपर, तो ये एक किस्म की डायरेक्ट रेंजिंग ही थी, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग अ चैन लाइन व्हेन एंड पॉइंट्स आर इंटरविजिबल, जब एंड पॉइंट्स विजिबल थे तो हमने क्या कर दिए, जैसे ये एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर लगाई थी, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर लगाई थी, अब ये दोनों क्या दिख रहे थे, ये वाली
फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली दिख रही थी। जब ये दिख रही थी तो ये जो बीच में है, मान लें ये थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, ये भी हम लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बंदा खड़ा होगा और दूसरा बंदा जाएगा इन रेंजिंग रॉड लेके, तो ये बंदा इसको डायरेक्शन इसको डायरेक्शन देता रहेगा कि भाई यहाँ पर थर्ड पे भी लगा दे और यहाँ फोर्थ पे भी लगा दे, इस पॉइंट पर लगा दे रेंजिंग रॉड, तो वो लगा देगा। तो इसकी वजह से हो जाती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। लाइन रेंजर इज मोस्टली रूज, आमतौर पर लाइन रेंजर्स जो है, जो हमने पोल उसको नहीं पढ़ा था कि जो पोल नहीं होते हैं रेंजिंग पोल, तो उसके ऊपर लाइन रेंजर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं रेंजिंग कराने के लिए। फिर आता है दूसरा, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रेसिप्रोकल या रिपीटेड अलाइनमेंट रेंजिंग। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, मान लो आप एक पॉइंट यहाँ पर है ए पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर आपने एक रेंजिंग रॉड लगा दी है और एक रेंजिंग रॉड इस बी पॉइंट पे लगा दी है, ये तो आपने लगा दी। अब क्या है, अब आपने एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर लगानी थी और यहाँ पर लगानी थी सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, बट ये कैसे लगाओगे, बिल्कुल रेंज में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए सारे। अभी आपको कैसे पता चला, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, हिल हैविंग नो इंटरविजिबल, ये बीच में एक हिल है यहाँ पर और यहाँ पर लग गई है रेंजिंग रॉड, पर हमें बीच में पता नहीं चल रहा अब कैसे इनको बिल्कुल स्ट्रेट किया जाए। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये नीचे बताया भी गया है, दिस इज़ डन वेयर द ऑब्स्टिकल इज फाउंड, जहाँ ऑब्स्टिकल पाया जाता है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल या रिपीटेड अलाइनमेंट रेंजिंग की जाती है। वही सिलेक्ट टू इंटरमीडिएट पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टेशन सी, सी से बी एंड डी आर विजिबल। देखो यहाँ सी से बी, यहाँ सी से अगर देखा जाए तो बी और डी जो है आर विजिबल, एंड फ्रॉम डी, डी से ए एंड सी आर विजिबल। हम क्या करते हैं, हम जब इस सी पे पॉइंट पे खड़े होंगे तो हम देखेंगे कि ये तो हमें दिख रहा है, ये ए भी पॉइंट दिख रहा है, बट क्या है, तब हमें ये बी भी दिखेगा, तो हम इस सी को इस बी के बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे और इस ए के स्ट्रेट भी लगाएंगे। तो फिर जब उसी तरह से इस बी के बी है बी पे जब हम जाएंगे तो तब क्या करेंगे, हम बिल्कुल इस सी के और इस बी के बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे इसको, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। तो क्या कहता है, मिनिमम फोर रेंजिंग रॉड्स जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मतलब आप अगर सी पॉइंट्स पे होंगे तो ए से और डी के बिल्कुल रेंजिंग में करना है आपने, जब आप डी पे होंगे तो सी और बी की बिल्कुल रेंजिंग में ये डी वाले को आपने बिल्कुल साथ में लगाना है, मतलब बिल्कुल बोले तो बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है इनको रेंजिंग रॉड्स को। तो बिल्कुल रेंजिंग रॉड को जब स्ट्रेट लगाओगे तो उसको रेंजिंग कहते हैं, या आपने किया भी होगा जब अपने सर्वे कैंप के दौरान आपने किया भी होगा इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या आता है, रैंडम लाइन मेथड ऑफ रेंजिंग। इसमें क्या किया जाता है, यूज्ड इन डेंस फॉरेस्ट, या आमतौर पर डेंस फॉरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है ये थर्ड टाइप रैंडम लाइन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दो पॉइंटों का डिस्टेंस हम करते हैं कैलकुलेट बाई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। मतलब क्या होता है इसका, मैं आपको समझा देता हूँ। ये नीचे जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये इसमें मान लो ये फॉरेस्ट पार्ट आ गया, ये फॉरेस्ट है जना, ठीक है, क्या है, एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में ये और ये पॉइंट जो है ये विजिबल है मान लो, और ये पॉइंट विजिबल है, उस तरह से ये और ये पॉइंट विजिबल है, ये और ये विजिबल हैं। तो यहाँ पर मुझे गलत हो गया, सॉरी इसके लिए, देखो ये फॉरेस्ट है, आपको ए से डी विजिबल है और बी से सी विजिबल है, इतना समझ आ गया, बट ए से बी नहीं विजिबल है और डी से सी नहीं विजिबल है। अब कैसे करोगे, अब आपको कैसे पता चलेगा यार यहाँ ए से बी कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, आप बी से एक कहीं दूर जाके एक पॉइंट लोगे ई, ठीक है, समझ आ गए, बी से दूर जाके एक पॉइंट ई लोगे। अब वो पॉइंट कहाँ पर लोगे, वो पॉइंट वहाँ पर लोगे जहाँ पर आपको ए भी दिखेगा और बी भी दिखेगा, तो वहाँ से क्या, वहाँ से एक चैनेज कर डालोगे सीधे ए तक और वहीं से डालोगे बी तक। जब आप चैनेज डालोगे ए तक और बी तक, वो डिस्टेंस आपको पता होगा क्योंकि आपने चैनेज डाली, आपको पता होगा, मान लो ये अगर 30 मीटर है तो ये आपने 15 मीटर की डाली है, आपको यहाँ तक पता चल गया। अब आप
बाई ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूला, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से आप ये वाला निकाल सकते हो, मतलब ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया है तो ये बेस निकाल सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। उसी तरह से आप इस साइड में भी कर सकते हो। डी और सी जो है ये आपको पता नहीं इसका लेंथ कितना है क्या, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट है। आप यहाँ यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो तो जहाँ से ये डी भी विजिबल होगा और सी भी विजिबल होगा, फिर इसकी एक चाइनीज लेंथ बना दो। इसकी और इसकी आपको लेंथ पता होगी तो ये थर्ड वाली निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपके सामने जो टेबल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। मान लो ये रिवर है, हिल है, बिल्डिंग है और फॉरेस्ट है एक साइड में। ऊपर टॉप पे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर, ऑब्स्ट्रक्शन किसके लिए है, चैनेज के लिए और रेंजिंग के लिए। क्या चैनेज के लिए रिवर ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, रेंजिंग के लिए रिवर ऑब्स्ट्रक्शन या नहीं है, इसी तरह से सारों के लिए पढ़ेंगे, हिल के लिए, बिल्डिंग के लिए और फॉरेस्ट के लिए पढ़ेंगे। तो चले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिवर के लिए चैनेज जो है वो क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, जब हम चैनेज करेंगे रिवर के अंदर तो सच बात है रिवर के अंदर हम चैनेज नहीं कर सकते, तो हाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हमने कहा यस ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर लिखा भी है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट है या नहीं है। हाँ रिवर के लिए चाहिए, जब रिवर जो है वो चैनेज के लिए रुकावट है तो हमने यस लिखा। उसी तरह से क्या रेंजिंग करने के लिए रिवर जो है वो रुकावट है या नहीं है, रेंजिंग जब भी हम करेंगे तो रुकावट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एक बंदा अगर उस साइड में किसी तरह पहुंच गया, दरिया के उस साइड में पहुंच गया किसी भी सोर्स से, चाहे वो पुल के ऊपर से क्यों नहीं गया बट उस साइड में पॉइंट पे पहुंच गया और इस साइड में एक पॉइंट पे खड़ा बंदा है, वो रेंजिंग कर सकते हैं उस साइड और इस साइड वाले जो पॉइंट्स हैं उनको रेंजिंग में ला सकते हैं। तो रिवर जो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रेंजिंग के लिए, तो मैंने कट मार दिया कि नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रेंजिंग के लिए रिवर। अच्छा अब उसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हिल के लिए है तो नहीं है, मतलब हिल में हम चैनेज करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है, क्योंकि अगर इंसान वहाँ जा सकता है तो नहीं। अगर हिल के बीच में से कोई बोले फिर ऑब्स्ट्रक्शन, मगर हिल के ऊपर से अगर देखे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो हमने मारा कट। उसी तरह से रेंजिंग के लिए हिल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ है, अगर हिल के उस साइड में एक बंदा है और एक इस साइड में है, हम क्या रेंजिंग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ है ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आप बताओगे सर चाइनीज भी तो ऑब्स्ट्रक्शन था, आप क्या करो पहले एक साइड वाली चाइनीज कर दो फिर दूसरी साइड में भी चाइनीज कर दो, तो आप इजिली कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करो, उसके बीच में से नहीं कर सकते तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए मैं कट किया। तो बिल्डिंग के लिए जो है अगर कोई हाई हाइट वाली हो तो वहाँ चैनेज भी नहीं कर सकते हो और वहाँ पर रेंजिंग भी नहीं कर सकते अगर बीच में कोई बिल्डिंग है। उसी तरह से फॉरेस्ट अगर हो तो फॉरेस्ट के बीच में से जो है चैनेज करना कर लोगे, बट बहुत टफ हो जाएगा बट कर लोगे, चैनेज जो है वो कर लोगे, ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है। बट अगर रेंजिंग के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बीच में से कहाँ जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस फॉरेस्ट के बीच में से। चैनेज के लिए भी बड़ा टफ है बट कर लोगे जनाब, बट अगर देखा जाए रेंजिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ है 100% है, ठीक है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेसिक टर्मोलॉजी फॉर चैनिंग सर्वे में जो कुछ टर्मोलॉजी है वो आपको पता है। डिटेलिंग किसे कहते हैं, डिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लीनियर मेजरमेंट इन ऑर्डर टू लोकेट वेरियस ऑब्जेक्ट इन द फील्ड इज कॉल्ड डिटेलिंग। डिटेलिंग में क्या होता है, कहीं पर अगर हमने लीनियर मेजरमेंट की है और हम बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इतने दूर है इस वाले टाइल लाइन से, उसका कहेंगे डिटेलिंग। तो फोर टाइप्स की डिटेल्स होती है। हार्ड मतलब कि हम अगर बताएंगे जैसे ये एक कोई लाइन है ट्रांसवर्स की, एक लाइन है मतलब मैन सर्वे लाइन है, तो हम बताएंगे इससे दूर जो है रोड इतना दूर है जी, यहाँ से ये रोड है और ये वो लाइन है सर्वे लाइन, तो हम बताएंगे जी 2 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, तो वो डिटेलिंग एक कि डिटेल्स हम बता रहे हैं उस वहाँ पर उस ट्रांसवर्स का। तो इसको कहते हैं हार्ड, सॉफ्ट, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड, चार डिटेल्स होती है। हार्ड मतलब कि जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके डिटेल्स हम बताएंगे रोड और ब्रिज की, सॉफ्ट मतलब कि जैसे रिवर या वेजिटेशन की, और अंडरग्राउंड मतलब सीवर पाइप लाइन की भी हम कह सकते हैं कि ये जो सीवर पाइप लाइन है कितना दूर है इस मैन सर्वे लाइन से। उसी तरह से ओवरग्राउंड जो है इलेक्ट्रिक पोल या टावर से हम बोल सकते हैं कि मैन सर्वे लाइन से कितना, उनके बारे में डिटेल को ही डिटेलिंग कहते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फील्ड बुक जो है ये क्या होता है, यूज्ड फॉर फील्ड मेजरमेंट आर नोटेड, फील्ड में क्या क्या मेजरमेंट है, कौन सा कितने दूर पर, ऐसे वैसे फील्ड में बुक उसे कहते हैं। ये कितनी होती है, 20 × 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बोले तो 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, विड्थ 12 सेंटीमीटर होती है। दो टाइप की होती है, सिंगल
है फील्ड बुक और डबल लाइन फील्ड बुक। तो सिंपल लाइन जो होती है वो ऐसे टाइप की होती है और डबल ऐसे होती है। ऑर्डिनरी वर्क के लिए डबल लाइन फील्ड वर्क की जाती है और सिंगल लाइन फील्ड बुक जो होती है वो डिटेल वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद फील्ड बुक तो हो गया, मैजर्स बुक भी आती है। इसमें क्या किया जाता है, इन विच ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ अ प्रोजेक्शन आर रिटर्न, मतलब कि प्रोजेक्शन की डिटेल्स लिखी जाती है, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स लिखी जाती है। लेवल बुक जो है इसमें आरएल जो है, जो हम हर पॉइंट पे आरएल जो है वो करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो लिखी जाती है लेवल बुक में। आपने ये पढ़ा भी होगा सर में। अब रेंज टाई क्या होता है, रेंज टाई कुछ नहीं होता, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट का नाम है रेंज टाई। देखना लिखा है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ वॉल, बट एक बाउंड्री होगी वॉल की, तो ये मान लो एक वॉल है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया तो उसको कहेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, जब हम वॉल से लेंगे तो उसको रेंज टाई कहते हैं। ये एक ऑफसेट ही है, परपेंडिकुलर ऑफसेट ही है रेंजिंग टाई, बट जो वॉल से लेंगे, किससे, वॉल से, तो उसका क्या कहेंगे, रेंजिंग टाई। अब आपको जो आगे डायग्राम दिख रहा होगा ये तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। इसके चार पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं चार टर्मिनल पॉइंट्स, लिखा भी है टर्मिनल पॉइंट, ये भी टर्मिनल पॉइंट, ये भी, तो ये भी, तो ये टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। अब क्या करेंगे, जो एक टर्मिनल पॉइंट को दूसरे टर्मिनल पॉइंट के साथ लाइन में है क्या ज्वाइन कराती है, उसको क्या कहते हैं, मैन सर्वे लाइन। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 से 2 जो ज्वाइन करा है, ये भी मैन सर्वे लाइन, ये भी है मैन सर्वे लाइन, ये भी मैन सर्वे लाइन, ये भी मैन सर्वे लाइन, ये भी मैन सर्वे लाइन, तो चार मैन सर्वे लाइन है इसमें। फिर क्या करें कि इसमें से एक मैं सबसे बड़ी एक लाइन डाल रहा हूँ, ये जो है ये वाली लाइन। अब इस लाइन का नाम क्या रखा हमने, इस लाइन का नाम है जनाब